Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute but might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyber stalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyber stalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलजी का एलसीडी मॉनिटर है जिसका मॉडल नंबर है फ्लैटोट्रॉन W1943C। ओके, देखिए W1943C। तो इसमें अब स्क्रीन लाइट जल रहा है और ये पावर का एलईडी भी जल रहा है, लेकिन इसमें कोई ग्राफिक्स आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैं बंद किया और फिर से चालू कर रहा हूँ। देखिए चालू हुआ, लाइट चले गया, फिर से लाइट आएंगे। ठीक है, लाइट आया पर कोई स्क्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलेंगे। खोलने से पहले और एक बार ये देखिए ये कैसे हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं वीजे केबल को एक बार लगाता हूँ तो देखूंगा इसके बाद कि क्या हो रहा है। वीजे केबल लगाया, ठीक है, देखिए ये रेड रेड सा कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, लेकिन इसका पावर लाइट बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको खोलना है। ओके, और एक बात, इसका एडाप्टर मेरे को नहीं मिला था तो मैं दूसरी एडाप्टर से चला रहा हूँ जो कि बढ़िया चलता है। ठीक है, तो ये खोलना काफ़ी मुश्किल सा है और ये सेम वाला मॉडल कल भी आए थे लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। उसका दूसरा प्रॉब्लम था लेकिन इसका अलग प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम है। ओके, तो अब हम इसको खोलेंगे पूरा का पूरा। ओके, देन ये बैक कवर को निकाल के साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पे ये जो मेन बोर्ड है इसको बाहर निकालना है और मेनली ये पैनल का प्रॉब्लम हो सकता है या तो फिर ये लॉजिक कार्ड का। ओके, इसके अंदर जो लॉजिक कार्ड है तो ये मॉनिटर मैं पहली बार ही सर्विस कर रहा हूँ क्योंकि ये खोलने से पता लग जाता है कि भाई हाँ ये पहली बार ही आया है। लॉक में प्रॉब्लम, नहीं किसी ने काम किया था इसके अंदर जो कि वो रेजिन से करता है, मतलब नॉर्मल पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं करता है वो जो काम किए थे इसमें, लेकिन मेरे को लगा कि भाई मैं ही पहली बार इसे कर रहा हूँ, नहीं वो गलत बात है। तो ठीक है,
यहाँ से डिस्प्ले का आउटपुट हो रहा है। तो ये पत्ता एक बार मैं खोल के देखूंगा कि पत्ता सही है कि नहीं है, लेकिन पत्ता तो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लियर है। अच्छा रुकिए, मैं ये पैनल को, पावर पैनल को खोलता हूँ। तो अभी ये VDD का जो सप्लाई है ये भी सही है, लेकिन मैं इसको उठा के जम्पर करूंगा। एक बार इसको उठाने से ये यहाँ पे VDD का जो कनेक्शन है, सॉरी दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे जो VDD का फ्यूज है, मेन वोल्टेज जहाँ से पास हो रहा है, तो वो निकाल के जब चलाएंगे तो ये पूरा का पूरा व्हाइट स्क्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे और देखने के बाद, अच्छा मैं आपको दोबारा इसको समझाऊंगा, अगर ये हो जाता है तो पहले मेरे को करने दीजिए, तो नहीं तो नहीं दिखा पाऊंगा अच्छे से। ओके, तो मैं इसको निकाल के फेंक दिया उधर, और अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको जोड़ता हूँ। ठीक है, जोड़ने से पहले मैं इसको एक बार फिर से चालू करके देखूंगा कि ये व्हाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा व्हाइट हो रहा है ना, तो उसको दोबारा
लगा के देखेंगे। तो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले कर लेता हूँ। ओके, ये सोल्डरिंग हो गया है। अच्छा, इसे काटना भी है, नहीं तो जब भी ये व्हाइट आ रहा है, पावर को बंद करके मैं फिर से इसे चला रहा हूँ, तभी ये व्हाइट व्हाइट ही आ रहा है। सॉरी, ये मैं तो केबल ही निकाल के रखा हूँ। इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि मैं VDT लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। तो ये IC को निकाल के एक बार लगाएंगे। ये जो IC है, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कल हो जाएंगे। अभी एक मॉनिटर कर रहा हूँ, अभी वो जो मैंने मॉनिटर पढ़ा था ना, वो कर रहा हूँ, प्रिंस कंप्यूटर का। हाँ ठीक है।
आया। ठीक है, आया। फोकसिंग क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो अब देखिए मैं बाजू में से दिखाऊंगा। ओके, इसको मैं निकाला, आपने देखा, ये लगाया फिर से, और यहाँ पे एक फ्यूज था वो डायरेक्ट कर दिया। सॉरी, ये इसका साउंड कम कर देता हूँ, ब्लर का। ओके, तो इसमें किसने काम किए थे आपको तो दिखाई दिया, क्योंकि ये इसके नीचे में ये जो आईसी है यहाँ पे इसके नीचे में कुछ सोल्डरिंग वगैरह मेरे को दिखा जब मैं निकाला। लेकिन पहले जब इसको खोल रहा था तब मेरे को लगा था कि भाई मैं पहली बार इसको रिपेयरिंग कर, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे हाथ में आया है सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम किसी के दूसरे के पास में गए थे। ओके, तो अब लेस्ट, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वीडीडी का जो फ्यूज था यहाँ पे 2.5 amp 32 volt का। ओके, तो यहाँ पे तो वही लाइन से वो आ रहा है, तो उसमें जो फ्यूज था मैं उसको निकाल के डायरेक्ट कर दिया। मैं सोच रहा था कि हाँ ये फेल हो सकता है कभी कभी, तो ये फेल होने पर भी ऐसा होता था, लेकिन वैसे देखा। उसके बाद ये आईसी को निकाला डायरेक्टली, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, जैसा था वैसा ही था, तो इसलिए मैं ये आईसी को निकाला। ध्यान से देखिए, ये आईसी को निकाल के दोबारा लगाया और ये हो गया है, ठीक है। पर मैं सोच रहा था कि भाई नहीं होगा ये काम। ओके, मैं फिर से चालू करूंगा। देखिए चालू किया और एलजी भी आ गए थे, अभी ये आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों का चैनल ओपन किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे इसको ऑटो कर लेता हूँ। अच्छा, ओके, बिल्कुल चल रहा है। तो गाइस, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं किया दिखा दिया आपको, और बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। केबल को चेक करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, ये जो केबल है डिस्प्ले का पत्ता, इसको चेक करना पड़ता है। लेकिन आप अगर कंफर्म है कि केबल सही है, तो आपको ये बोर्ड में ही, मतलब ये जो पैनल का जो बोर्ड है इसमें काम करना होता है। कई बार वीडीडी फेल होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं सोच रहा था आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको अच्छा लगना चाहिए अगर आप काम करते हैं इस लाइन पे। और अगर आप काम नहीं करते, सिर्फ आप इंजीनियर करके बैठा है और उंगली करते हैं, तो भाई आप मत आइए मेरे चैनल पे, मैं आपको पायर पकड़ के माफी मांगता हूँ कि आप मत देखिए मेरा वीडियो। लेकिन जिसको जरूरत है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा जितना फॉलोअर्स है उसका जरूरत है इसलिए मैं बनाता हूँ। तो भाई देखिए, अगर जरूरत लगे तो देखिए, नहीं तो कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, और कमेंट्स करने करने के बाद थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सीखते रहिए, और कुछ अगर ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए, कोई वीडियो का टॉपिक अगर आपको आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि हाँ उसी टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना है, तो आप जरूर बोलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।